हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। बिहार चुनावों में वार पलटवार का खेल चल रहा है। सियासी पार्टियां पहले चरण से पहले की तरह ही पूरी जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। क्या है बिहार के वोटरों के दिल का हाल और बिहार के चार बड़े दिग्गजों का बिहार चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना है, ये भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जान लेना बेहद जरूरी है। बड़ी खबर जो कि चिराग पासवान से जुड़ी हुई है। नीतीश कुमार पर चिराग पासवान ने बड़ा हमला बोला है, निशाना साधा है। कहा है कि LJP की सरकार बनी तो नीतीश जेल जाएंगे। ये बहुत बड़ा बयान चिराग पासवान की तरफ से दिया गया। नीतीश कुमार युवा विरोधी मुख्यमंत्री हैं, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, नीतीश सरकार युवा विरोधी बता दिए। ये एक और बड़ा आरोप चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर लगाया, नीतीश सरकार पर लगाया। साथ ही साथ कहा कि नीतीश ने रोजगार देने से युवाओं को इनकार कर दिया, जिसका नतीजा आज बेरोजगारी इतने ज्यादा चरम पर बिहार में है। बिहारी पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं, पड़ोसी राज्यों में काम के लिए उनकी काम की तलाश के लिए पहुंचते हैं। नीतीश युवा विरोधी मुख्यमंत्री हैं और युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, नौकरी देने से इनकार, रोजगार देने से इनकार किया और इसका परिणाम चुनावों में नीतीश कुमार को भुगतना होगा। युवा विरोधी है जो मुख्यमंत्री, युवा विरोधी है जो मुख्यमंत्री, युवाओं को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता, अच्छा रोजगार नहीं दे सकता, जिसकी वजह से आज भी लाखों हमारे युवा साथी दूसरे प्रदेशों में रहने के लिए मजबूर है, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई बम्बई का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए। आप लोगों ने सुना क्या कोई दिल्ली का लड़का बिहार आया रोजगार के लिए? तो फिर क्यों हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए? ये सुविधा हमारे प्रदेश में क्यों नहीं होती? क्यों? क्योंकि हमारे प्रदेश में एक युवा विरोधी मुख्यमंत्री है जो चाहते नहीं कि हमारे प्रदेश के युवा आगे बढ़े। तो नीतीश कुमार को पानी पी पी कर कोस रहे हैं बार बार चिराग पासवान, लेकिन साथ ही कह रहे हैं कि मोदी के साथ मैं ताउम्र रहूंगा, अपने आखिरी दम तक रहूंगा। ये अजीबोगरीब सा बयान चिराग पासवान का लगता है। LJP अध्यक्ष चिराग पासवान आज सीतामढ़ी में पहुंचे थे, सीता मां के दर पर पहुंचे थे, पूजा अर्चना करते हुए उनकी तस्वीरें सामने आई। साथ ही साथ चिराग पासवान ने हनुमान जी की आरती भी की। ये उसी वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चिराग पासवान चुनावी वक्त में ईश्वर के दर पर जाकर वोटों का आशीर्वाद जरूर मांग रहे हैं, साथ ही साथ मांग रहे हैं बिहार की जनता का साथ। इसीलिए मौजूदा सरकार पर बार बार सवाल भी उठा रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं। आपको सीतामढ़ी में जो पहुंचकर सीता मां के दर्शन किए उस वक्त की तस्वीरें और फिर हनुमान जी की आरती करते हुए आशीर्वाद लेते हुए चिराग पासवान नजर आए सीतामढ़ी में चिराग की भक्ति की। अब तीन तस्वीरें अलग अलग आपको दिखा देते हैं, तीन कैमरों की नजर से, तीन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं चिराग पासवान फिलहाल ईश्वर के दर पर पहुंचे, सीता मां को याद किया, बजरंग बली हनुमान जी को याद किया, उनकी आरती उतारी और साथ ही साथ शिव की भक्ति करते हुए भी नजर आए। ऐसे में उम्मीद इसी बात की चिराग पासवान के मन, जहन और दिल में होगी कि ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, बिहार की जनता का आशीर्वाद मिला तो फिर मौजूदा सरकार को हटाने में कामयाब रहेंगे, जो कि वो बार बार दोहरा भी रहे हैं कि नीतीश सरकार का हटना बहुत ज्यादा जरूरी है बिहार के विकास के लिए, बिहार के युवाओं के रोजगार के लिए। चिराग पासवान इस बार के चुनाव में सबसे अहम किरदार माने जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि अगर त्रिशंकु विधानसभा आती है तो सरकार की चाबी उन्हीं के हाथ में होगी। चिराग से बातचीत की है मेरे सहयोगी राकेश कुमार सिंह ने। बिहार का विकास, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लागू करना एकमात्र विकास, एकमात्र लक्ष्य। और दूसरा सबसे बड़ा, मौजूदा मुख्यमंत्री को किसी भी कीमत पर, अगर ये दोबारा गलती से भी मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार जी, ए बिहार हार जाएगा, बी पलायन को बच्चे फिर मजबूर हो जाएंगे और सी बिहार पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। चिराग, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि LJP JDU के सामने खड़ी है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि लाभ जो है तेजस्वी को हो रहा है। देखिए, मेरे बारे में ये बार बार कहा जाता है और कुछ ऐसे चैनल हैं भी जो ये नैरेटिव भी सेट करते हैं,
और कुछ ऐसे नेता भी हैं जो ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि भैया वोट कटुआ पार्टी है, तो किसी की बी टीम है, तो किसी को लाभ पहुंचा रही है। मेरी समझ में ही नहीं आता कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूं और क्या सोच है उन लोगों की। भाई मैं क्यों अपनी पार्टी के लिए मैं काम नहीं कर सकता हूं? मेरी पार्टी 20 साल पुरानी पार्टी है। मेरी पार्टी के सर्वमान्य नेता मेरे पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी का 51 साल का बेदाग सक्रिय राजनीति का अनुभव है। क्यों मेरी पार्टी अपने सिद्धांतों के लिए, अपनी नीति के साथ, अपने विचारों के लिए नहीं खड़ी हो सकती, उसके लिए क्यों नहीं लड़ सकती? क्यों ये माना जाए कि भैया लोक जनशक्ति पार्टी हमेशा किसी की पुछलग्गू पार्टी ही रहेगी, तभी काम करेगी? हम लोगों ने 2005 में भी करके दिखाया। 2005 में भी जब हम लोग अकेले लड़े थे, उस वक्त जब पापा ने निर्णय लिया था, 29 सीट हम लोग जीत कर आए। बल्कि हकीकत यह है कि जब जब लोक जनशक्ति पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा, हम लोग का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। उसके बाद आप 10 के विधानसभा देख लीजिए, आप 15 की विधानसभा देख लीजिए, जब जब हम लोग गठबंधन में लड़े तो हम लोग की सीटें खत्म ही हुई हैं, कम ही हुई हैं। तो आज भी जब मैं अकेले लड़ रहा हूँ और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी से कई ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूँ और उनसे कई ज्यादा सीटें मैं जीत भी रहा हूँ, बल्कि आप भी इसका सर्वे कीजिए, आप तो खुद जा रहे हैं जगह जगह, आप खुद देख रहे हैं, आप खुद इस बात को बेहतर बता सकते हैं कि क्या मैं किसी की बी टीम हूँ या मैं किसी को फायदा पहुंचा रहा हूँ, या सही में मेरी पार्टी खुद फायदे में है और जिसका फायदा, जिसका बेनिफिट बिहार को होने वाला है। चिराग जी, लेकिन नीतीश के प्रति इतना क्यों नाराजगी, क्यों, आखिर क्या है? ये सब लोग जानना चाहते हैं। इंडिया न्यूज के दर्शक के सामने, न्यूजएक्स के दर्शक के सामने आप खुलासा करें। ये मेरी नाराजगी है, ये तो जनता की नाराजगी है। आप ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोल दीजिए, क्या जनता नाराज नहीं है नीतीश जी से? कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के भाषण में उनके सामने मुख्यमंत्री जी के विरोध में नारे लगे, जनता क्लियर है इस बात को लेकर कि आज भाई मुख्यमंत्री ने बताया ना मुझे कि पिछले 5 साल में क्या किया, क्या किया? भाई वो ये बोलते हैं कारखाने नहीं खुल सकते, क्यों? क्योंकि बिहार लैंडलॉक्ड है। भैया पंजाब भी, हरियाणा भी है, राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी है, जब वहाँ पे रोजगार आ सकते हैं, कारखाने खुल सकते हैं, बिहार में क्यों नहीं खुल सकते? 5 साल में मुझे बताइए, 15 साल में एक नहीं खोला, 5 साल में क्या खोलेंगे कारखाने? क्यों आज भी मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए? कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों पटना में, कोटा में इस तरीके, क्यों पटना में हम लोग एडुकेशन कोचिंग सेंटर्स नहीं खोल सकते, एडुकेशनल हब नहीं बना सकते? क्यों कोरोना में, लॉकडाउन में, जब हमारे मुख्यमंत्री ने बोला था कि किसी भी बिहारी को बिहार की सीमा में नहीं आने दिया जाएगा, क्यों नहीं आने दिया गया था? क्वारंटाइन सेंटर्स की हालत देखिए, किस बदहाल स्थिति में उनको रहने के लिए मजबूर किया गया था। चिराग पासवान ने मौजूदा मुद्दे भी उठाया और साथ ही कहा कि लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, उनका आशीर्वाद कितना ज्यादा जरूरी है।